देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, एचडी कुमार स्वामी, फारूक अब्दुल्ला तो मंच पर ही मौजूद हैं। साथ ही मायावती से गठबंधन करने वाले मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश भी मंच पर हैं। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी सातों सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। अभी तक जो कुछ भी आपने देखा, ये सिर्फ ट्रेलर है। केजरीवाल की असली कहानी अभी बाकी है। आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल की राजनीति किस प्रकार झूठ और ढोंग की बैसाखी पर खड़ी है। अक्सर केजरीवाल चुनाव में अपने विरोधी के खिलाफ झूठ और प्रपंच करते हैं। जहां भी जाते हैं, वहां सीधे मुख्य किरदार पर निशाना साधते हैं। खुद को मासूम दिखाने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ते हैं। अब नया कारनामा उन्होंने पंजाब में शुरू किया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल इन दिनों पंजाब में चुनावी रैली में व्यस्त हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हालत खराब देखकर उन्होंने सबसे पहले सीधे मुख्यमंत्री चन्नी को ही लपेटना शुरू कर दिया है। कभी उन्हें नकली केजरीवाल कहते हैं तो कभी खुद काला बताकर रोने गाने लगते हैं। देखिए उनकी नौटंकी। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो दो दिन बाद वही बोल देता है। करता नहीं है, नकली है। चन्नी साहब बोले ये केजरीवाल काला है, ये उल्टी सीधी बातें करता है। मैं काला हूं, मैं मानता हूं मैं काला हूं। फिर चन्नी साहब बोले केजरीवाल के कपड़े इतने खराब हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है। मेरे कपड़े जैसे हैं ठीक हैं। बेटे की कसम खाकर कांग्रेस का समर्थन लेने वाले केजरीवाल का अंदाज एकदम पुराना है। 2014 लोकसभा चुनाव को आप भूले नहीं होंगे। इस चुनाव में केजरीवाल लाइमलाइट में आने के लिए चुनाव लड़ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंच गए। फिर क्या था, जनता के सामने सीधे पीएम मोदी का नाम लेकर झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं गुजरात गया तो नरेंद्र मोदी जी के लोगों ने वहां पे हमें जगह जगह काले झंडे दिखाए। चार बार हमारे ऊपर हमला किया, हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बताओ हमने कोई भ्रष्टाचार किया था? हमने क्या गलत काम किया था? मैं यहां पे आया तो मोदी जी के भाड़े के लोगों ने फिर से हमें काले झंडे दिखाए, हमारे ऊपर काली स्याही फेंकी। वैसे बनारस में चुनाव लड़ने से पहले केजरीवाल गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए गुजरात पहुंच गए और यहां भी मोदी का नाम लेकर झूठ बोलना शुरू कर दिया। काले झंडे दिखाने वाले तो आपको पता ही है कौन है, मोदी जी के भेजे हुए लोग हैं। वो काले झंडे दिखाएंगे। दो दो या तीन जगह चार चार पांच पांच आदमी खड़े थे जो काले झंडे दिखा रहे थे। लेकिन केजरीवाल की कहीं भी दाल नहीं गली। दरअसल जनता केजरीवाल के ड्रामे को समझ चुकी है। जनता जानती है कि अन्ना आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वाले केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित का नाम लेकर क्या क्या नहीं कहा। खुद को ईमानदार और सीधा दिखाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम लेकर उन्होंने कई बार झूठ बोला। बहुत बार बोले चुनाव लड़के दिखाओ। तो 2 तारीख को हमने कहा कि अब तुमको चुनाव लड़के ही दिखाएंगे। पर्दे के आगे केजरीवाल जनता को छलने के लिए अपनी आंसू बहाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनका चेहरा कुछ और ही है। झाड़ू पे बटन दबाना,